अगर आप सभी एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं या अदरवाइज आप सब ICICI अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं तो आप सब ये गलती कभी मत कीजिएगा, नहीं तो आप सब भी बर्बाद हो सकते हैं। मैं बर्बाद होने की बात आपको इसलिए आज कर रहा हूं क्योंकि हम लोग छोटी सी गलती के लिए भी बहुत बड़ा हम सबको सजा मिल जाता है। क्या आप सब इससे बचना चाहते हैं? आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को भी एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहता हूं आप सबके लिए, तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। गाइज अगर आप सभी बर्बाद होने से बचना चाहते हैं क्योंकि हम सब तो एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट या अमेजोन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद क्या गलती करते हैं, मान लीजिए कि हम हमारे पास ICICI का ऑलरेडी पहले से क्रेडिट कार्ड है, इसके बेसिस के ऊपर आपको जो है अमेजोन क्रेडिट कार्ड मिल चुका है, तो आप सब क्या करते हैं, तो नहीं तो हमको इसका सर्विस चार्ज लग रहा है, नहीं तो हमको अभी अमेजोन जो ICICI क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं उसका हमको चार्ज लग रहा है, तो आप लोग सोचते क्या है, अरे यार हमारे पास तो दो क्रेडिट कार्ड हो गया, चल ऐसी इच्छा में क्या करता हूं इसको बंद ही करवा देते हैं। आपको याद रखे कि जो भी क्रेडिट कार्ड आप बंद करवा रहे हैं उसी बेसिस के ऊपर आपको ये क्रेडिट कार्ड अभी मिला है। अगर मान लीजिए कि आपका इसका क्रेडिट स्कोर बेस्ट है, यानी मान लीजिए कि ये क्रेडिट कार्ड, मैं सबसे पहले बता देता हूं क्रेडिट स्कोर के बारे में, क्रेडिट स्कोर होता क्या है, क्योंकि आपको जो अमेजोन क्रेडिट कार्ड आपको मिला है वो आपको क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे ही मिला है। यानी अगर आपका क्रेडिट स्कोर, आप मान लीजिए कि ये कार्ड के ऊपर आपका सबसे अच्छा क्रेडिट स्कोर है और वही क्रेडिट कार्ड को अगर आप बंद करवा देते हैं तो आप बर्बाद हो चुके हैं। इसी को हम लोग बर्बाद बोलते हैं क्योंकि आपका ये क्रेडिट स्कोर अभी बनवाने में कम से कम 4 से 5 साल चला जाएगा। अदरवाइज आप मान लीजिए अगर आप 2 साल में ही अपना क्रेडिट स्कोर बनवा लिए थे सबसे बेस्ट तरीके से, सबसे अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर हो चुका था और वही कार्ड को अगर आप बंद करवा देते हैं तो आपका फिर से जो अगर आपके पास ये जो नया क्रेडिट कार्ड आया है इसको बनवाने में आपको बहुत ही टाइम चला जाएगा। अगर मैं बात एक बता दूं कि अगर आप बीच में अगर फिर से आपको लोन की जरूरत पड़ेगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, आप अगर फिर से कोई और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाना चाहेंगे तो आपको लोन या क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपको अपना कार्ड ही बंद करवा दिए हैं। लेकिन कार्ड बंद करवाने के बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर भी बचा रहे और साथ में आपका कार्ड भी बंद हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड होगा, चाहे ICICI का हो, चाहे HDFC का हो, या SBI का हो, अदरवाइज कोई भी बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है तो आप एक कर सकते हैं क्या कि आप देखिए अगर एप्लीकेशन ओपन करेंगे, अगर ICICI का होगा तो आई मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो एक अपग्रेड का ऑप्शन आता है, यानी अपने मोबाइल में आई मोबाइल एप्लीकेशन में जाइए, उधर अपग्रेड पे क्लिक करके आप नया, यानी आपको बैंक एक नया कार्ड इशू कर रहा है तो वो कार्ड आप से लेंगे तो आपको कुछ भी नुकसान इधर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप खुद से अगर बंद करवाते हैं तो आपको नुकसान होता है। अपग्रेड करने से फायदा क्या होता है आप ये पहले जान लीजिए। अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करते हैं तो यानी आप अच्छे तरीके से उस कार्ड के ऊपर वर्क किए हैं, यानी जो भी पैसा आप विड्रॉ किए हैं वो टाइम टू टाइम बिल पे आप किए हैं, जितना भी लोन आपका मिला था वो टाइम टू टाइम आप उसका जो है EMI पे किए हैं, तो इसके बेसिस के ऊपर आपका क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करने के लिए बैंक बोलता है कि भाई ये बंदा अच्छे तरीके से कार्ड को हैंडल कर रहा है तो इनको थोड़ा अच्छा सा कार्ड देना चाहिए। तो अगर आप वो कार्ड अगर लेते हैं तो आपका जो पुराना क्रेडिट कार्ड है इसका जो क्रेडिट स्कोर जो भी रहता है वो आपको पूरे के पूरे उस कार्ड के ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो लाइफ में कभी भी अगर आप लोन भी अप्लाई करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर उस कार्ड के बेसिस के ऊपर भी दिखता है और आप सबको लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप सब ये गलती कभी भी कर देते कि चल भाई यार मेरे पास तो 6 कार्ड हो गया है, क्योंकि जैसे कि मैं मान लीजिए अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मंगाए हैं और एक्सिस बैंक का आपके पास पर्सनली एक क्रेडिट कार्ड है उसको आप बंद करवा दिए, जाने दे यार हमारे पास तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है ही तो इसको ही क्यों ना यूज करूं, क्योंकि मैं फ्री में यूज होता है, इसका अच्छा खासा बेनिफिट भी हमको मिल जाता है और अच्छा खासा हमको कैशबैक भी मिल जाता है, कोई ऑफर अगर हमको मिल जाए फ्लिपकार्ट के ऊपर तो हम सब उस पर ये कार्ड को उधर अटैच करके ऑफर भी ले लेते हैं, तो हमको ये कार्ड के रखने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप वही जरूरत के वजह से अगर आप उसको बंद करवा देते हैं तो आप बर्बाद हो जाते हैं। यही बर्बाद की मैं बात कर रहा हूं आप सबको कि आपका क्रेडिट स्कोर पूरे खत्म हो जाता है, नहीं तो बाद में आपको कभी लोन मिलेगा नहीं, आप कुछ कर पाएंगे, यानी आप क्रेडिट कार्ड भी दूसरा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो गाइस अगर आप सब भी इससे बचना चाहते हैं तो आप सबको एक ही याद रखना है, आपको क्रेडिट कार्ड का अपग्रेड करवाना है जो कि बैंक अपग्रेड करके देगा आपको, यानी नया अपडेट करके देगा दूसरा क्रेडिट कार्ड, वही क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे उस क्रेडिट कार्ड का जितना भी स्कोर रहेगा उस सब स्कोर आपको कन्वर्ट करके आपके नया कार्ड में दे देगा, उससे आपको कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं रहेगा, आपका सब कुछ बेस्ट रहेगा। लेकिन क्रेडिट स्कोर की मैं बात करूं तो आप सबको मालूम है क्रेडिट स्कोर कितना मायने रखता है आपके लाइफ के लिए, क्योंकि लाइफ में कभी भी हमको कुछ भी जरूरत पड़ सकता है, इमरजेंसी में चाहे लोन हो
या इमरजेंसी में कोई हमको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो क्रेडिट स्कोर बेस्ट रहता है। अगर आप क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो के ऊपर में आपको लिंक आता रहेगा, तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको लास्ट में जरूर ये सलाह देने वाला हूं, अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई आप कर दिए हैं तो आपको उसको ब्लॉक नहीं करवाना है, हो सके तो आप इसको यूज कीजिए। अगर आपको बंद ही करवाना है उस कार्ड को या सेकंड कार्ड को, तो आप इसको अपग्रेड करवा के बंद करवाइए, ताकि आपका जितना भी क्रेडिट स्कोर रहेगा वो आपका बरकरार रहेगा, और लाइफ में कभी भी जरूरत पड़ेगा क्रेडिट स्कोर को तो आपका क्रेडिट स्कोर जैसे सेफ रहेगा, तो आप कभी भी लोन या तो आप नया क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, जो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।